हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका अराउंड 4 से 6 नंबर का आता है। कि अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स हो तो क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 2 sin x प्लस 3 cos x बाई 3 sin x प्लस 4 cos x सेम पैटर्न में है तो अप्रोच क्या होना चाहिए मेरा। देखिए, जब भी ऐसा सम हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि आपको न्यूमरेटर को लेट करना है। कैसे? एल टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपको लेट करना है। क्या लेट करना है? न्यूमरेटर को एल टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप और फिर हमें L और M का वैल्यू निकालना है, फिर न्यूमरेटर आएगा, ये सब्स्टिट्यूट करना है। देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सम सॉल्व करते करते आप आराम से समझ जाओगे। देखिए, क्या बोला मैंने, बस ये याद रखना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू L टाइम्स डिनोमिनेटर, ध्यान देखो, प्लस M टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 3 cos x माइनस 4 sin x। देखो मैंने ये किया, न्यूमरेटर इक्वल्स टू एल टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स डीडीएक्स ऑफ डिनोमिनेटर। 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल के तो थ्राइस एल साइन एक्स, हमें एल और एम का वैल्यू निकालना, प्लस 4 l cos x प्लस 3 m cos x माइनस 4 m sin x। यानी कि 2 sin x प्लस 3 cos x को मैं साइन एक्स अगर कॉमन लोगे तो 3 l माइनस 4 m, और cos x अगर कॉमन लोगे तो 4 l प्लस 3 m आ रहा है। चेक करो, अब हम लोग कोफिशिएंट को अगर इक्वेट करें तो 2 इसके बराबर होगा, मतलब 3 l माइनस 4 m इक्वल्स टू 2, और 3 इसके बराबर होगा, मतलब 4 l प्लस 3 m इक्वल्स टू 3। चेक करो, सही है, ये याद रखो, L और M का वैल्यू निकालना पहला स्टेप में मेरा। तो इसको इंटू 4 कर दो, इंटू 3 कर दो, तो ये हो जाएगा 12 L माइनस 16 m इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा 12 L प्लस 9 m इक्वल्स टू 9, साइन चेंजेस, सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 25 m इक्वल्स टू माइनस 1, m इक्वल्स टू 1/25। m निकल गया, n निकाल लो, पहले क्वेश्चन लो, 3L माइनस 4 इंटू 1/25 इक्वल्स टू 2, 3L इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 2 प्लस 4/25 यानी कि 54/25, यानी कि L क्या होगा, 3 18 18/25। देखो ध्यान से, आपको M और L का वैल्यू निकालना है। अब ये सम पे आओ, आप न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हो, L टाइम्स, L मतलब क्या आपका, L है आपका 18/25 और M है आपका 1/25। ठीक है, ये मैं रख कर दे रहा हूं सिर्फ। अब न्यूमरेटर को आप क्या रिप्लेस करोगे, L टाइम्स, L मतलब 18/25 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस M टाइम्स 1/25 डीडीएक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब के 3 cos x माइनस 4 sin x dx बाय 3 sin x प्लस 4 cos x। क्लियर है? थोड़ा सा सेपरेट कीजिए, तो दिस बाय दिस क्या बचेगा, चेक करो, 18/25 dx बचेगा सिर्फ, सही है, प्लस 1/25 बाहर, यहां पे क्या बच रहा है, 3 cos x माइनस 4 sin x by 3 sin x प्लस 4 cos x dx, और ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा बॉस। ठीक है, ये तो हमारा 18/25 x हो गया, इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। देखो, इसको अगर z लोगे तो ये जाहिर सी बात है dz है, तो बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन तो ये है, तो मेरा एक स्टेप में मान सा नहीं सकता हूं, log ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस सीधा। अरे भैया, इसका डिफरेंशिएशन तो ये है, तो इसको z पुट किया तो ये पूरा हट जाएगा, dz हो जाएगा, dz बाय z log z।
क्लियर है? ठीक है, एक और सम देखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से मैं बता रहा हूं, न्यूमिरेटर को आपको एक्सप्रेस करना है एल टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स डीडीएक्स ऑफ डिनोमिनेटर। एल और एम का वैल्यू निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना है, बस न्यूमिरेटर को चेंज करना है। एक और सम देखते हैं। यह सम देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बाय 1 माइनस टैन एक्स, या 1 प्लस टैन एक्स होता या कॉट एक्स होता, इधर लॉजिक मेरा सेम रहेगा। बोलो क्यों? बिकॉज आप अगर टैन को लिख सकते हो आप साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ध्यान से देखिए, अब ऐसे हम लोग आप तो क्या होगा, डी एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स बाय डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही आ रहा है ना, जो कि पूरा का पूरा इस फॉर्म में है। चेक करो, क्लियर है? लॉजिक सेम रहेगा मेरा। मेरा जो न्यूमरेटर है उसको मैं क्या लूंगा, एल टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चेक करो, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। अब एल और एम का वैल्यू निकालना है, दिस इज एल कॉस एक्स माइनस एल साइन एक्स माइनस एम साइन एक्स माइनस एम कॉस एक्स। तो कॉस एक्स यहां से अगर आप कॉस एक्स कॉमन लोगे, कॉस एक्स कॉमन लोगे तो एल माइनस एम आ रहा है, एल माइनस एम आ रहा है, प्लस साइन एक्स कॉमन लोगे तो माइनस एल माइनस एम आ रहा है। चेक करो, इन दोनों से साइन एक्स कॉमन लिया, इन दोनों से कॉस एक्स कॉमन लिया, तो एल माइनस एम आ रहा था, वहां पे माइनस एल माइनस एम आ रहा है। कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे, कॉस का यहाँ पे कोफिशियंट 1 है, मतलब एल माइनस एम 1 होगा, साइन तो यहाँ पे है नहीं तो माइनस एल माइनस एम 0 के बराबर होगा। क्लियर है? सॉल्व कर लो, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, माइनस 2m इक्वल टू 1, m इक्वल टू माइनस हाफ, पुट कर दो, l माइनस माइनस हाफ इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, ये प्लस हो जाएगा, उधर आगे माइनस हो गया, l इक्वल टू हाफ। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं न्यूमरेटर को लिख सकता हूं एल टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बोलो किसको डाउट है? अब सेपरेट करेंगे तो दिस बाय दिस, देखो हाफ डी एक्स बचेगा, प्लस माइनस माइनस हाफ बाहर, दिस बाय दिस बचेगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो कुछ ऐसा बच रहा है, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, कर सकते हैं मगर इसका तो हाफ एक्स होगा, इसका क्या होगा, अगेन लॉग, इसको आप जेड लोगे तो ये पूरा हट जाएगा, ये डीजेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन ही तो यही है भाई। क्लियर है? तो ये बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर, 4 से 6 नंबर का सम तो ये बन सकता है। ठीक है, चल इस वीडियो में यही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।